start with Oriflame की journey के लिए actually में एक life changing opportunity है. Flashback से start करूँ तो life was going smooth August till August 2017 और suddenly I got very ill. बहुत बीमार हो गई, कुछ brain में something got happened wrong. Doctors सभी डॉक्टर्स को दिखाया दिल्ली में, टू द बेस्ट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, टू द बेस्ट ऑफ ENT, एवरीबडी सेड कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, नो होप. कुछ दिखाई नहीं देता था. सडनली इतना बीमार हो गए कि नर्व्स के वाइटल न्यूट्रिएंट्स इतने डाउन हो गए कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो देयर इज नथिंग टू यू नो रिकवर. रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. सब कुछ या तो ऐसे ऐसे हिलता दिखता था या ऐसे ऐसे हिलता दिखता था. चलते चलते दरवाजे से दीवार से टकरा जाती थी बिकॉज समझ में नहीं आता था कि दरवाजा इधर है या इधर. इतनी बैड सिचुएशन पे थी. और अगस्त 2017 से लेकर और मई 2018 तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ हम इलाज के लिए ना गए हों, लेकिन नो रिजल्ट्स. मई 2018 जब ऑलमोस्ट होप छोड़ के एक दिन बैठी थी एंड फेसबुक देखते देखते मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी वर्क फ्रॉम होम. मतलब ब्रेन की सिचुएशन इतनी खराब कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मुझे लोगों से बात करना इतना पसंद है कि अगर मैं अपनी लेन में चले जाऊँ तो डेढ़ दो घंटे से पहले घर ऑफिस में आ पाती थी. और ब्रेन की सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि इतने डिप्रेशन में चली गई कि आई स्टार्टेड अवॉइडिंग पीपल, सुसाइडल थॉट्स तक आए. बैड सिचुएशन मतलब इतनी बैड कि ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो गई. और छोटे छोटे बच्चे घर में खेल रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए इतने यंग एज में मुझे लगा कि पता नहीं जिंदगी एकदम चलते चलते कहाँ रुक गई. सुसाइडल थॉट्स तो इतने आते थे, इतने पैनिक अटैक्स आते थे कि ऐसा लगता था कि मतलब क्या करूँ. कभी कभी जब पैनिक अटैक्स और सुसाइडल थॉट्स आते थे, बच्चे खेल रहे थे तो दरवाजा पकड़ के खड़ी हो जाती थी और ये सोचती थी, एक माइंड ये बोलता था कि कुछ कर ले अपने आप को खत्म कर दे, और एक माइंड कहता था नहीं तेरे बच्चे हैं तू नहीं कर सकती. मतलब वर्स सिचुएशंस पे जब मैं थी तो सडनली मुझे एक होप दिखी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी. बिकॉज मुझे जीना था, मुझे आगे बढ़ना था. मैं ऐसी नहीं थी, मुझे लोगों से मिलना पसंद था. एंड कहाँ मैं लोगों को अवॉइड करने लगी थी, मैं अपने घर से नीचे नहीं जाती थी इस डर से कि कहीं मैं अपने घर का रास्ता ना भूल जाऊँ. और कहाँ मैं जब मैं पढ़ती थी तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से देहरादून तक अकेले आ जाती. तो सडन चेंज ऑफ लाइफ जहाँ मुझे भगवान ने लाके खड़ा कर दिया और कोई होप नहीं. मतलब जब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि कोई होप नहीं है तो फिर उससे आगे क्या. बट एवरीबडी इन माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, दे सपोर्टेड मी. उन्होंने मुझे बोला नहीं प्रियंका, दिस इज नॉट यू, यू हैव टू कम आउट, यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ. हम साथ खड़े हैं बट लड़ाई तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी. वहाँ मुझे जब वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने कहा मुझे लड़ना पड़ेगा. मैंने पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा, मैंने इंटरेस्टेड डाल दिया वहाँ फेस ऑफ फेसबुक और तुरंत ही मेरे पास कॉल आया, हाय दिस इज तरनजोत कौर. और वहाँ मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे समझाया. बट कॉन्फिडेंस लेवल बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सिचुएशन बहुत नीचे थी. बट पता नहीं क्या था कि मैं अट्रैक्ट होती चली गई. मैं कभी मना नहीं कर पाई कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी. कैटलॉग आ गया, फ्रेंड्स में कैटलॉग शेयर कर दिया. शुरू के 15 दिन तो मतलब मैं ये भी नहीं बोलती थी कि मैंने ज्वाइन किया, मैं बोलती थी मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन किया, किसी को ऑर्डर देना तो याद नहीं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं. पता नहीं ऐसा ना हो कि मैं कमिट कर दूं और मैं उस चीज को ना कर पाऊं. तो बट 15-20 दिन के बाद जब लगा कि नहीं कर सकते हैं तो मैंने बोलना शुरू किया, हाँ मैंने ही ज्वाइन किया है और मुझे ऑर्डर्स आप लोग दिए. और उसके बाद जर्नी जब स्टार्ट हुई मई 2018 जब मैंने ज्वाइन किया, तब से आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. और जब भी कॉन्फिडेंस में कमी लगी और मैंने तुरंत तरन को फोन किया और कभी मैंने बोला ये तरन ये कैसे होगा, तो उन्होंने बोला होगा. तो वो जो होगा ही होगा वाला जो एक आया कॉन्फिडेंस,
वो आज मैं अपने टीम में भी ट्रांसफर करती हूँ कि होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा. और थैंक यू तरन, आप जानते नहीं, आप रियली एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए. लोगों से मिलती हूँ और मेरी जिंदगी वापस मुझे मिली है सिर्फ ओरिफ्लेम की वजह से. मुझे सब टीममेट्स का, जतिन यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं जो मुझे उनसे मिलते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तरन, नेहा, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन हु वर विद मी ऑल द टाइम. जब मैं नहीं उनके लिए कुछ कर पाती, इफ आई क्लोज माय आईज, मुझे नहीं याद है कि अगस्त 2017 से मई 2018 में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मैंने बनाया होगा, क्या मेरे बच्चों ने खाया होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता. इट वॉज जस्ट लाइक कि बस जिंदगी चल रही है और कैसे चलेगी और कब खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं पता था. सब होप्स छोड़ने के बाद आज मैं यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हूँ कि मैं जिंदगी में जीत सकती हूँ.